हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आजकल जमाने में मोबाइल हेलो कॉल लगाने से अच्छा वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है एक ही बात के लिए, वो है सेल्फी कैमरा। इसी रेंज में था ओप्पो और वीवो, उसके बाद में आ रहा है इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स ने उसका एक छोटा मिड रेंज का एक मोबाइल लॉन्च किया है, उसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट S3। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, मैं आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी दूंगा कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या मिलता है, इसका कैमरा क्या है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, इसका प्रोसेसर क्या है। तो इसका स्पेसिफिकेशन इन डिटेल्स में देखेंगे हम लोग, तो देखते रहिए मेरे वीडियो को। मैं हूँ राजशेखर, आप देख रहे हो डिग्गी टेक चैनल, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इन्फिनिक्स हॉट S3 एक गेम चेंजर, एक गेम चेंज ये लॉन्च हो रहा है फ्लिपकार्ट में, वो एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट पर ये आ रहा है आपको 12 फरवरी आफ्टरनून 12 बजे। तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, ये है बेजललेस मोबाइल है, इसके अंदर फ्रंट कैमरा है 20 मेगापिक्सल का, और इसमें आता है दो वैरायटी में आता है, एक है ब्लैक और एक है वाइट। तो इस दो वैरायटी में आता है ये, एक है कि 3GB और 4GB इंटरनल मेमोरी आता है, 3GB के लिए 32GB का और 4GB रैम के लिए 64GB रैम का। तो इस ये दोनों मोबाइल 4G को सपोर्ट करते हैं, LTE को सपोर्ट करते हैं, और एक फीचर्स इसके ये है कि फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है और फुल व्यू मतलब कि 18:1 का इसका मोबाइल का साइज है, इसके अंदर होता है फुल व्यू, बेजल लेस ही कह सकते हैं सेम, मगर नीचे और ऊपर बेजल है, इट्स नॉट ए फुल बेजल लेस मोबाइल। इसके साथ इसका एक और एक फीचर है कि इसका स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर और 4000 mAh बैटरी। इसके सभी फीचर्स को देखते हुए हम बता सकते हैं कि इसके अंदर दो वेरिएंट है, 3GB एंड 4GB का। 3GB आपको आता है 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ, 4GB का कैमरा, 4GB रैम के साथ आता है 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ। और इसका और एक खासियत है कि ये मिल रहा है ओनली ऑन फ्लिपकार्ट 12 फरवरी 12 बजे दोपहर को। इसके अंदर खासियत यह है कि ये है कि इसका हॉट सेल्फी का मतलब है कि इसका फ्रंट कैमरा है 20 मेगापिक्सल, इसके साथ आता है ड्यूल LED फ्लैश। इसके अंदर फ्रंट कैमरे के अंदर एक अच्छा सा बात है कि इसमें आता है बोके सेल्फी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वन प्लस 5T या MI A1 उसके अंदर का बोके इफेक्ट था, वही इसके अंदर भी फ्रंट कैमरा में लगाया है। इसके साथ कैमरे के अंदर दूसरा कैमरा वो प्राइमरी कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके अंदर 13 मेगापिक्सल कैमरा है विथ क्विक ऑटो फोकस हम कह सकते हैं। ये था कैमरे के बारे में, फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल और रेयर कैमरा 13 मेगापिक्सल। डिस्प्ले का बात करें तो डिस्प्ले ये है कि इसका फुल डिस्प्ले आता है 5.65 इंच स्क्रीन है, ये फुल HD नहीं है मगर इसका HD प्लस है, मतलब कि 720x1440 इसका पिक्सल आता है, और ये फुल बेजललेस नहीं है, ऊपर और नीचे बेजल्स है, और इसका 2.5D कोरिला ग्लास है इसके ऊपर, कोनी गोरिला ग्लास। और इसका और एक खासियत है कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इस रेंज में 3GB का 32 इंटरनल मेमोरी का आपको मिलता है 8999 में, और 4GB 64 इंटरनल मेमोरी का आपको मिलता है 10999 में रेंज में। इसके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो इसके अंदर आता है एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन ओरियो 8.0, और खुद का उन लोगों का एक लेयर है पैच की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो आपको यूज करने के लिए सहायता होगी। ये छोड़ के और एक बात है कि इसके अंदर इट कम्स विथ 4000 mAh बैटरी, लियोन बैटरी, ये आपको दे सकता है तकरीबन 2 दिन का बैटरी बैकअप। इसके अंदर प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 14 नैनोमीटर का बना हुआ 430 प्रोसेसर है, ये आपको बैटरी बैकअप दे सकते हैं तकरीबन 2-3 डेज इफ आप नॉर्मल यूज किए तो। मूवी और गेमिंग के लिए ये
प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर और एक खासियत है कि इसके अंदर दो 4G सिम यूज कर सकते हैं, उसके साथ डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है, तो टोटल आप तीन चीज एक ही साथ यूज कर सकते हैं, दो सिम एक मेमोरी कार्ड। और इसके साथ सभी इसके सेंसर्स आते हैं, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर सेंसर और जो भी है सभी सेंसर इसके साथ आते हैं। और इसके और एक है कि इट सपोर्ट्स OTG, ये OTG को सपोर्ट करता है। और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर एग्जैक्टली फीचर है, उसके ऊपर LED फ्लैश है, उसके बाजू में 30 मेगापिक्सल का कैमरा है। और आपको साइड में मोबाइल के साइड में दिखते हैं कि एक साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर है और पावर बटन है, और एक साइड में आपको एक ही सिम स्लॉट है, उसके अंदर दो सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और नीचे आपको क्या बोलते हैं उसे चार्जर दिया गया है, ऊपर 3.5 mm जैक हेडफोन जैक दिया है। ये इसका इन्फिनिक्स हॉट S3 इस मोबाइल का एक मेरा विश्लेषण था। समझता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं हूँ राजशेखर, आप देख रहे थे डिग्गी टेक चैनल। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, नीचे दिए हुए लाइक बटन पर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को आपको फ्रेंड को फॉरवर्ड कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलते हुए मैं राजशेखर आपसे अलविदा कहता हूँ, फिर मिलेंगे अभी अगले वीडियो में, जब तक नमस्कार।